शाई एक सुपर हीरो एनिमे है जो माई हीरो एकेडेमिया जैसा बिल्कुल नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये फैक्ट है कि आपको ये MHA की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये ऐसा है जैसे आपने MHA से सभी अच्छे सीन्स यानी शानदार लड़ाई के विजुअल्स ले लिए हों। तो आइए इस दिलचस्प सीरीज के बारे में जानते हैं। शाई में हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट टेरू मोमीजियामा को फॉलो करते हैं जो स्टूडेंट और सुपर हीरो के ड्यूअल रोल में है। उसका हीरो वाला नाम शाई है, जो मुझे कहना होगा कि एक बहुत बुरा नाम है। क्या उसने अपना यह नाम रखा? हमें पता नहीं, लेकिन यह उसका एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है कि वह कौन है। टेरू पब्लिक के सामने इतनी अच्छी नहीं होती है, वह लोगों से बात करने में अच्छी नहीं है और उसे लोगों की अटेंशन से अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वह एक सुपर हीरो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने हीरो बनना खुद चुना है, इसके बजाय यह रोल उसे मजबूरन दिया गया है। हालांकि वह खुश है कि उसके जैसा इंसान भी दूसरों की मदद कर सकता है। शाई जापान की एकमात्र सुपर हीरो है और इसमें कुछ यूनिक नहीं है। ऐसा लगता है कि हर देश को एक ही हीरो मिला है, और मुझे यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यह कितना अजीब है। मेरा मतलब है, भले ही हम केवल जापान के आकार के देश को देख रहे हों, क्या एक हीरो काफी है? सीरीज के इस पहले सीजन में हम कुछ और हीरोज से मिलते हैं। इनमें से ज्यादातर हीरोज जापान से कहीं बड़े देशों से आते हैं। स्पिरिट रशिया की हीरो है, मैंग लॉन्ग चाइना का हीरो है, और स्टारडस्ट यूनाइटेड किंगडम का हीरो है, और फिर लेडी ब्लैक है जो स्विट्जरलैंड की हीरो है। हीरोज और विलन्स के बीच का क्लैश किसी भी सुपर हीरो स्टोरी का बेसिक प्लॉट होता है, और शाई में भी ऐसा ही है। मिस्टीरियस स्टिग्मा के अंडर दुनिया को बच्चों के लिए यूटोपिया में बदलने का विलन का एजेंडा हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए एक मुश्किल चैलेंज पेश करता है। ऐसा करने के लिए वह लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ करता है, और ऐसा लगता है कि उसने उन दिलों में जो देखा है उसके जैसा कि कुछ अजीब बना दिया है। एग्जाम्पल के लिए, स्टिग्मा के आर्टिफिशियल एलाइज में से एक टिज्वेटा है। टिज्वेटा पेपेशा की अपनी मां के मौत पर पछतावे की एक अजीब दुनिया दिखाती है। अंत में शाई कन्वेंशनल सुपर हीरो नैरेटिव से एक अलग स्टोरी दिखाती है, लेकिन वो अपने पोटेंशियल से कम है। हालांकि आइडेंटिटी और करेज जैसे थीम्स का इसका एक्सप्लोरेशन अच्छा है, लेकिन इनकंसिस्टेंट कैरेक्टराइजेशंस और स्टाइल की चॉइस इसके इम्पैक्ट को कम करती है। आखिर में मैंने शाई को 10 में से 5 की रेटिंग दी है। ये बिल्कुल एवरेज है, ये कुछ भी विशेष रूप से अच्छा नहीं करता है। मुझे कैरेक्टर्स उतने अट्रैक्टिव नहीं लगे, और इसमें कुछ अजीब डायरेक्टोरियल चॉइसेस और वियर्ड फ्रेमिंग थी। लेकिन ये कुछ भी ज्यादा गलत नहीं करता है, ये बुरा नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसे रेकमेंड करूंगा। अगर आपको यह रिव्यू यूजफुल लगा तो इसे अपने साथी एनिमी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और भी एनिमी एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।